नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाने जा रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्पाइसी मुंह में घुल जाने वाला कटहल का कोफ्ता। इस रेसिपी में आपके साथ तो सारे सीक्रेट शेयर करूँगी जिससे आप एकदम सॉफ्ट कटहल का कोफ्ता बनकर रेडी कर सकते हो। ये जो मसालेदार कटहल का कोफ्ता, ये इतना सॉफ्ट बनता है कि ये मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। कटहल का कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है आधा किलो कटहल यानी 500 ग्राम कटहल। इसे मैंने प्रेशर कुकर में डालकर 2 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है और इसको सारे बीज हमने निकाल दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर बीज यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 2.5 बड़े चम्मच के करीब बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन डालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए बेसन का यूज़ कर रही है। साथ साथ जा रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है गरम मसाला से। साथ साथ जा रहे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। तो अब हम मसाला को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है, इसमें डालेंगे 2 प्याज, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, 1 तेज पत्ता, इसे मैंने तोड़कर डालेंगे, 1 छोटी सी दालचीनी के टुकड़े, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 4 लौंग, थोड़ी सी जायफल के टुकड़े और इसमें डालेंगे थोड़ी सी पानी। तो अब हम इसे ढक कर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है, एकदम बारीक हमें मसाला को ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। तो आप जितना ज़्यादा अच्छे से मसाला को ग्राइंड कर सकते हैं ना, आप ग्राइंड करिएगा। तो आपस हम आ गया है डो की तरफ। अब हम कोफ्ता बनाएंगे और आप डो से थोड़ा सा डो लेंगे और इसे नींबू जैसा गोल कर लेंगे। तो इस तरह से हम बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए एक बन गया है और इसे साइड में रख देंगे। कोफ्ता बनाने के टाइम अगर ये आपको हाथों में चिपक जाए तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगा दीजिएगा। आप कोफ्ता थोड़ा सा बड़ा छोटा जैसे आप पसंद करते हैं आप वैसा बना सकते हैं। तो इसी तरह सारे कोफ्ता को हम बना लेंगे। तो सारे कोफ्ता बनकर तैयार कर लिया है, अब हम चलेंगे इसे फ्राई करने के लिए। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और गैस का फ्लेम मीडियम में रखा है। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें एक एक करके कोफ्ता फ्राई करने के लिए डालेंगे। कोफ्ता डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए टॉस नहीं करेंगे। जैसे नीचे से हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे उलट पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क करेंगे तो कोफ्ता हमारा हार्ड हो जाएगा। कोफ्ता हमारा एकदम सॉफ्ट रखना है। तो जैसे ये गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम कोफ्ता ऑयल से बाहर निकल देंगे। तो देखिए हमारा सारे कोफ्ता फ्राई हो चुका है, आप चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर डाल देंगे 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। जीरा अच्छे से पक जाने के बाद हम डालेंगे 1 पिंच हींग और इसमें डाल देंगे मसाला पेस्ट जो कि हम पहले तैयार करके रखा था। और
और इसे लो फ्लेम पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम ही कर देंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब हम डालेंगे कुछ सूखी मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च के पाउडर, इसे बहुत बढ़िया कलर आता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ग्राइंडिंग जार में काफ़ी मसाला लगा था तो उसी को हम वॉश करके पानी डाल देंगे। सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारे चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि ऑयल सरफेस पर आ जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पर आ गया है। अब इसमें जा रहा है 2 टमाटर की पेस्ट, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे। जब हम ढककर मसाला को पकाएंगे तो बहुत बढ़िया से मसाला हमें पक जाएगा और खुशबू बाहर नहीं जाएगी और कोफ्ते का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो इसे भूनने के लिए हमें लगभग 7 मिनट लगेगा और इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया से भून गया है। अब इसमें डालेंगे पानी, तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी के लिए पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें जा रहा है नमक, नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम उबल आने तक छोड़ देंगे। इसमें जब उबल आ जाएगा तब हम इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते को हम डाल देंगे जो कि हम पहले फ्राई करके रखा था। तो सारे कोफ्ते मैंने डाल दिया है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे कोफ्ते अच्छे से मिक्स कर दिए हैं मैंने और उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 7 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने और इसे और एक बार मिला देते हो और फ्रेशनेस के लिए इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, मिला दे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर लो मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाया मैंने। तो हमारा कटहल का कोफ्ता तैयार है। ग्रेवी आपको कितना चाहिए आप उसी हिसाब से ग्रेवी रखिएगा क्योंकि ये ठंड होने के बाद और भी सूख जाएगा। तो आप देखिएगा हमें इतना ही ग्रेवी चाहिए। तो ये हमारा तैयार है। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे हम सर्विंग बोल में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कटहल के कोफ्ते खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका ग्रेवी का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ना। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और इसे आप गर्मा गर्म रोटी फुल्का चपाती के साथ एंजॉय करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।